अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शान और इसका नाम है गूगल पिक्सल 4a। काफ़ी ज़्यादा पुराना स्मार्टफोन है बट स्टिल इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको इसको 2023 में कंसीडर करना चाहिए कि आपको इसको 2023 में बाय करना चाहिए। बिकॉज जब ये लॉन्च हुआ था ना अपने टाइम पर, ये काफ़ी तबाही मचाई थी इसने। लाइक कैमराज के लिए आज के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है पिक्सल 4 सीरीज़, चाहे वो 4 हो, 4XL हो, 4A 5G हो, फिर 4A हो। और आज की इस वीडियो में इसका कैमरा रिजल्ट भी आपको कुछ शो कराऊंगा, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, पबजी में कितने FPS प्रोवाइड करता है, क्या आपको उसको पबजी के लिए या फिर गेमिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए, हैवी यूज़ के लिए कंसीडर करना चाहिए, सबको आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बात, ये ऑफिशियल अप्रूव्ड भी आता है, पैच अप्रूव्ड भी आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तीनों की प्राइस बताऊंगा, नॉन PTA की प्राइस भी क्या है वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और क्या आपको उसको बाय करना चाहिए और कहाँ से बाय करना चाहिए अगर करना चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे जैसे कोई नई वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई डिज़ाइन प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। अब इतनी ज़्यादा हाई भी मैं नहीं बोलूँगा, इतनी ज़्यादा लो भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ काफ़ी सॉलिड मटेरियल, अच्छा मटेरियल लगाया गूगल पिक्सल ने इस 4 में। और पीछे बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की वजह से ये डिज़ाइन जो है वो थोड़ी बहुत पुरानी वाली फील, पुरानी वाली लुक प्रोवाइड करता है, बट स्टिल इसके कैमरास काफ़ी कमाल के हैं। बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप है, कहने को तो ये सिंगल कैमरा सेटअप है, बट जो ये सिंगल कैमरा है ना, मैं कहता हूँ 10-12 मेगापिक्सल के बराबर, 10-12 कैमरास के बराबर है। कैमरा रिजल्ट मैं आपको आगे जाके शो कराता हूँ। इन हैंड फील की बात करूँ तो एक काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट साइज़ का स्मार्टफोन है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना इतना ज़्यादा छोटा है। एक हैंडी फ़ोन है जो यूज़र डिमांड करते हैं ना आज के टाइम पर, थोड़ा बड़ा फ़ोन ना हो, बस एक कॉम्पैक्ट साइज़ हो, तो उसी हिसाब से उसका डिज़ाइन है, उसी हिसाब से उसका साइज़ है स्मार्टफोन का। और किट फोन में बैटरी का भी इशू होता है, तो बैटरी को चलकर आगे मैं डिस्कस करता हूँ इसमें कितनी 1000 mAh की बैटरी है और कितना आपको बैकअप देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ डिस्प्ले की, तो फ्रंट डिस्प्ले में एक OLED पैनल है जो कि एक HDR10+ के सपोर्ट के साथ आता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है फ्रंट पर, और ये 5.81 inches का है। लाइक हैंडी फ़ोन है, कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन है, अगर आप पबजी खेलते हो तो मतलब छोटे स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर रहते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं रहते, ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, मिड रेंज स्मार्टफोन है। प्राइस भी इसकी एक मिड रेंज है, प्राइस के बारे में आपको आगे चल के वीडियो बताता हूँ। और डिस्प्ले भी इसका थोड़ा छोटा ही है, मतलब लोग डिमांड करते हैं ना भाई कॉम्पैक्ट साइज वाले स्मार्टफोन बताओ, हमें इतने बड़े बड़े हाथ दुख जाते हैं गेमिंग करते हुए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो अगर आपको गेमिंग करनी है, लाइक बड़े स्मार्टफोन की तरफ नहीं जा रहे हो। गेमिंग करते वक्त हीटअप लाजमी होता है, पीछे आप कूलिंग फ़ैन लगा कर खेल सकते हो या फिर केस चढ़ाकर अगर आप खेलना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी गेमिंग के बारे में आगे चल के बात करता हूँ। डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, हाँ यहाँ पर हाइयर रिफ्रेश रेट इन लोगों ने नहीं दिया, बट हाँ सही है, गुजारा हो जाता है आपका, एक अच्छा खासा डिस्प्ले है, कलर्स काफ़ी अच्छे निकाल दिया। 1080p में आप वीडियो को वॉच कर सकते हो, जिस एक्सपीरियंस आपके काफ़ी अच्छा होने वाला है। Full HD+ रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है। आता ये एक ही वेरिएंट में 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, PTA पैच अप्रूव की प्राइस की बात करूँ तो 40 से 50 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऑफिशियल अप्रूव की बात करूँ तो वो 50 से 65 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। और ये मार्केट टू मार्केट वो होती है, मतलब प्राइस मार्केट जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी प्राइस कम होगी, और वो होती है ना कोने में एक दो दुकानें होती हैं तो वो 60-70 हज़ार का बेचे, तो ये मार्केट टू मार्केट। अगर आप कराची की सदर मार्केट विजिट करोगे तो वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ी लो प्राइस देखने को मिलेगी। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ इतनी प्राइस होगी, पैच अप्रूव 40 से 50 हज़ार डिपेंड ऑन कंडीशन, बाकी नॉन PTA थोड़ी सी कम ही होगी, 40 से 50 हज़ार जैसे पैच अप्रूव किए ना तो 40 से नीचे ही होगी नॉन PTA की प्राइस। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको पैच अप्रूव बाय करो, अगर आपको सिम चलानी है तो ये ऑफिशियल अप्रूव में भी आता है, आप इसको ऑफिशियल अप्रूव करवा सकते हो। और अगर आप किसी तरीके से पैच अप्रूव को बाय कर लेते हो और अगर रीसेट कर देते हो तो गूगल पिक्सल जो डिवाइसेज होती हैं उनमें पैच अप्रूव का बड़ा इशू आता है, रीसेट करो तो पैच ख़त्म हो जाता है और सिग्नल्स का भी इशू आता है। तो मैं आपको रिकमेंड वैसे भी करूँगा, अगर सिग्नल का इशू ना भी आता, पैच ना भी उड़ता, तो भी मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाओ, बिकॉज पैच इज़ इलीगल। बाकी आज के टाइम पर लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर रन हो रहा है, एंड्रॉयड 14 आने वाला है बट इसमें अपडेट नहीं आएगी। आया था ये 3-4 साल पहले एंड्रॉयड 10 के साथ आया था, आज ये रिसेंटली एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है। इस स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है जो कि पबजी में 40 FPS तक चला जाता है, जायरो हार्डवेयर बेस है। हाँ पबजी के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो एक अच्छी गेमिंग के लिए। लाइक बॉक्स पैक फ़ोन की बात करूँ ना तो आपको आज 1-1 लाख वाले फ़ोन में मीरा टेक हीलियो P35 मिल रहा है,
स्नैपड्रैगन 680 मिल रहा है 80-80 हज़ार वाले फ़ोन में, और वो उनके वेरिएंट भी 464 होते हैं, तो ये फिर 4128 है और है आता भी ये 50-60 हज़ार के आसपास ऑफिशियल अप्रूव्ड। लाइक आपको स्नैपड्रैगन 730 पबजी में 40 FPS, पबजी में इतना मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते अगर आप पबजी के लिए लेना चाह रहे हो। हाँ, एक अच्छी खासी गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, एक बेहतरीन प्रोसेसर लगा हुआ अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। स्नैपड्रैगन 730G एक पावरफुल प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट भी प्रोसेसर है, और गूगल ने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है स्मार्टफोन का, जिसकी वजह से बैटरी का जो बैकअप है, ओवरऑल मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। बाकी सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखता है ये प्रोसेसर, काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखता है। 6GB रैम है बिकॉज, और 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है। बाकी एक अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, अगर आप जाना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आज के टाइम पर। बट बैटरी वाली सेट की बात करूं तो 3140 mAh की बैटरी है, जो कि आज के टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी। याद रखना बैटरी के mAh पे मत जाना, ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है कितना बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो आज के दिन पे आप इसको 2 बार चार्ज कर सकते हो अगर आप इसको बाय करते हो। हाँ, पबजी के लिए जाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा खेलते हो तो ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है, 3-4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर लेते हो, जैसे सुबह 9 बजे चार्ज करते हो, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, ब्राउजिंग करते हो, तो आपको उसको शाम में 6-7 बजे के आसपास चार्ज करना पड़ेगा, ऐसे इसका दिन निकल जाएगा, लाइक पौना दिन आधा दिन ये निकल जाएगा नॉर्मल यूज़ पर। 6-7 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम है नॉर्मल यूज़ पर, पबजी में 3-3.5 घंटे के आसपास है स्क्रीन ऑन टाइम अगर आप लगातार खेलते हो, और दिन में 3-4 बार 2 बार तो मैक्सिमम चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो चाहे आप इसको हैवी यूज़ कर रहे हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप घर में ज़्यादा रहते हो, चार्जिंग के लिए ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ख़रीद भी सकते हो पबजी के लिए, हैवी यूज़ के लिए कुछ भी। लेकिन अगर आप बाहर ज़्यादातर रहते हो, चार्जिंग के पास अगर आप मतलब स्लॉट के पास, वो जो होता है ना क्या बोलते हैं, स्विच के पास अगर आप ज़्यादातर नहीं रहते हो, कहीं ऐसी जगह पे जैसे ट्रैवल करते हो, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, पावर बैंक रख सकते हो साथ, जुगाड़ भाई बहुत है पाकिस्तानी के। इसके साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन को 2 घंटे के अंदर ही 1.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, 1.5 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी बैक के अगर मैं कैमरास की बात करूँ ना, तो बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप है, और ये सिंगल कैमरा सेटअप ही 10 स्मार्टफोन के कैमरास के बराबर है। 12 MP का मेन कैमरा सेटअप है, प्लस OIS प्लस EIS के साथ आता है, और ये आपकी वीडियो को 4K तक मैक्सिमम ये शूट कर लेता है, 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 120 FPS तक भी चला जाता है। OIS प्लस EIS के साथ आता है, लाइक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में। अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो ये बेहतरीन स्मार्टफोन है, वीडियो बनानी है काफ़ी स्टेबलाइज वीडियो बनानी है तो भी आप लोगों के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन है ये। 8 MP का फ्रंट पर सेल्फी है एक, जो कि 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करती है। लाइक बैक कैमरास की क्वालिटी एंड है, मैं समझता हूँ अगर मैं आईफोन से कंपेयर करूँ तो आईफोन 8 प्लस थी मैक्सिमम सपोर्ट, आईफोन 8 प्लस से अगर आप कंपेयर करो ना गूगल पिक्सल 4 को, तो उतने अच्छे ये काम करते हैं इसके कैमराज। लाइक इसकी प्राइस भी 40-50 हज़ार के आसपास है, और कैमराज भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। आज के टाइम पर नॉन PTA काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, और PTA पैच अप्रूव भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैच अप्रूव बाय करो। और नॉन PTA इसलिए ज़्यादा सेल हो रहा है बिकॉज फोटो के लिए आज के टाइम पर गूगल पिक्सल 4 सीरीज़ है ना, 4XL, 4A और 4A 5G, और 5 भी सेल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा कैमराज के लिए स्पेशली। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको गेमिंग के लिए बाय करना चाह रहे हो, सिम चलानी है तो PTA ऑफिशियल अप्रूव बाय करना याद रखना, क्योंकि भाई पैच अप्रूव्ड एक तो इलीगल है और दूसरे बहुत मसले आते हैं खासतौर पर गूगल पिक्सल की डिवाइसेस में। और बाकी ये सिम अगर आपको नहीं चलानी तो आप इसको नॉन PTA डायरेक्ट कंसीडर करो, पैच अप्रूव्ड फिर भी ना लेना। बाकी यही थी वीडियो मेरी तरफ से, ये रिकमेंड डिवाइस है कैमरास के लिए अच्छी, एक गेमिंग के लिए, बहुत हाई लेवल की गेमिंग के लिए नहीं है, एक अच्छी खासी गेमिंग एक कर लेता है स्नैपड्रैगन 730, एक अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी हद तक अच्छे तरीके सब चीज़ों को मैनेज करके चल लेता है। बाकी बस यही थी वीडियो, पबजी में 40 FPS जा रहा, हार्डवेयर बेस मैंने आपको बता दिया है, एक शॉर्ट सा मेरा ओपिनियन था, आप इसकी तरफ देख सकते हो, एक अच्छा पैकेज है 50 हज़ार के आसपास। यही थी वीडियो, वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आप लोगों का क्या ओपिनियन, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके लाजमी से पूछना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।